हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कैरेमल पॉपकॉर्न और मसाला पॉपकॉर्न। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम दो तरह के पॉपकॉर्न बनाएंगे, इसलिए मैंने दो अलग जगह डिवाइड कर लिया है। उसके साथ हमें चाहिए चीनी, बटर, चाट मसाला, नमक और हल्दी। तो सबसे पहले हम अपना बनाएंगे कैरेमल पॉपकॉर्न। उसके लिए हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसको अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे अपना रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल भी अच्छे से गर्म करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे पॉपकॉर्न। दो मिनट ये अच्छे से गर्म हो जाए। ऑयल हमेशा इतना डालिएगा कि जितने भी कॉर्न्स हो वो अच्छे से उसमें डूब जाएँ। उसके बाद ये फटाफट ही फूटना स्टार्ट हो जाता है। एक से दो मिनट लगता है इनको सारे फूटने में। दो मिनट बाद ये सारे फूट जाते हैं। बहुत एहतियात के साथ से लिड हटाइए अपनी। और ये तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गए थे इसलिए मैं इसको हाफ कर दूंगी। हाफ़ का ही हम बनाएंगे। तो हमेशा जितना भी आप लीजिए शुगर उसका डबल लीजिए। जैसे मैंने एक लिया था उसका हाफ़ कर दिया है, तो अब मैं शुगर बस एक ही कप लूँगी। अगर जो आप एक कप कॉर्न लेते हैं तो आप दो कप शुगर ऐड कर दीजिए। तो मेरा समझ लिया आधा ही कॉर्न था, तो इसलिए मैंने एक कप शुगर लिया है। इसको अच्छे से पैन पे रख देंगे धीमी आँच पे, अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाए हमारी। ये देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच बटर और एक चुटकी नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे शुगर का इस बबल्स का कलर थोड़ा चेंज होने लगे, थोड़ा डार्क होने लगे येलो, ये इस तरह से, बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना क्योंकि वो जल जाएगा तो कड़वा लगने लगेगा, जो खाने में बेकार लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसका। इसलिए हल्का सा ही डार्क हो कलर, तभी हम उसमें अपना जो हमने कॉर्न भून के रखा था हम उसे ऐड कर देंगे। अब मेरा कलर बहुत अच्छा हो गया है तो हम इसमें अपना कॉर्न ऐड करेंगे। इसको अच्छे से धीरे धीरे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको चला लेंगे। अब इसका कलर देखिए और अच्छा सा डार्क हो रहा है। आराम आराम से चलाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद हम अपना सेकंड कॉर्न बनाएंगे उसी पैन में या भगोना कुकर जो भी आप लेंगे उसमें। अब हम डालेंगे मसाले कॉर्न के लिए बटर। तो ये दो चम्मच हमारा बटर है। बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना कॉर्न ऐड करेंगे। ये भी मैंने एक कप लिया था। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, एक से आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और एक चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला आप चाहो तो बाद में भी ऐड कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा जल सा जाता है, पर अच्छा लगता है। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो वरना स्किप कर दो, बाद में ऐड करना। उसके बाद इस पर भी हम ढक्कन ढक देंगे अपना और अच्छे से दो मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये फूटने लगेगा। ये देखिए ये भी तैयार हो गया मज़ेदार सा। तो दोनों बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। दोनों ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।